हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल मंथन में। सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। आज ये हम लोगों का जो साइंस इन 20 डेज का जो हम लोग एक कोर्स लेके आए थे स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, आज उसका ये 10वां दिन है। तो अब हम लोगों ने समझो कि आपका आधा रास्ता जो था हम लोगों ने तय कर लिया है उसकी दूरी। अब हम लोगों के पास रिमेनिंग 10 दिन बचते हैं और 20 दिन के अंदर में लगभग हम लोग पूरा का पूरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन था लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा, अभी तो आधा ही हुआ है, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और आप लोग बढ़िया से सेशन में बने रहेंगे और साथ ही साथ अपने जो पढ़ाई लिखाई है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम लॉस किए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। जो हम लोगों का साइंस का रहेगा वही तरीका रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होगा और 60 प्रश्न रहेंगे, आप लोगों को आंसर देना है। और साथ ही में जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप लोग अपना कर देना है कि हाँ भाई आप लोगों ने कितना मार्क्स अचीव किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अब आप लोग बोलोगे कि आखिर में आइडियल फ्लूइड कहने का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले ये समझो कि फ्लूइड क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, फ्लूइड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनको फ्लूइड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, क्या है? एबिलिटी है, एबिलिटी टू फ्लो। तो इनके पास फ्लो करने की एबिलिटी है और इसी कारणवश इसको बोला जाता है कि जो हमारे लिक्विड और गैस है वो आपका फ्लूइड के कैटेगरी में आता है। ठीक बात है भाई, जय जय। चलिए देखते हैं, इसने बोला है कि अगर कोई फ्लूइड आइडियल है, आइडियल का मतलब आदर्श, आइडियल किस रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है भाई? ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर में किसी भी प्रकार का रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार का आभासी बल नहीं है जो किसी भी प्रकार के मोशन का विरोध करे, तो मैं बोलूंगा ये हमारा फ्लूइड कैसा आइडियल फ्लूइड है। बट क्या सच में फ्लूइड आइडियल होता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर मान लीजिए, अगर एक एजम्पशन तो ले सकते हैं ना कि मान लीजिए कोई फ्लूइड आइडियल है, तो आइडियल फ्लूइड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो उसके लिए विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो अगर कोई फ्लूइड आइडियल है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? उसके अंदर में जो विस्कोसिटी होगा, जो विस्कस फोर्स होगा, वो क्या होना चाहिए? आपका जीरो होना चाहिए। बट क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, आइडियल फ्लूइड होने के लिए आपका जो श्यानता होता है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आगे बढ़ सकते अब उसी से रिलेटेड। अब आप लोग बोलोगे विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा और बताओ, तो चलो ना क्वेश्चन बना ही लेते उसके बारे में। देखिए हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसको बोला कर दो फॉल्स अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में कौन ऐसा स्टेटमेंट हमारा सही या नहीं गलत है? क्या है? गलत है। बढ़िया से मस्त पेपर होने वाला है, गर्दा उड़ा दूंगी, बढ़िया से पढ़ लो। पल विस्कोसिटी ऑफ ए गैसेस इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। बिल्कुल सही बात है। लिक्विड के कंपेयर में गैस का विस्कोसिटी क्या होता है? कम होता है। सिंपल सा बात है, क्योंकि लिक्विड के अंदर में जो आपका विस्कस फोर्स लगेगा वो गैस के कंपेयर में ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा विस्कस फोर्स उतना ज्यादा विस्कोसिटी। तो आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, गैस के कंपेयर में आपका लिक्विड का ज्यादा होगा तो गैस का क्या होगा? कम होगा। यानी ये स्टेटमेंट आपकी सही है। आगे बढ़ते हैं, विस्कोसिटी ऑफ गैस, बहुत बढ़िया पॉइंट है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कंडीशन यहां पर लिखता हूं, देखो अगर मैं विस्कोसिटी का बात करता हूं, किसका? विस्कोसिटी का। और मैंने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। तो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा अगर गैस होगा तो उसका विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पे आपका क्या होगा? बढ़ेगा। बट अगर मेरा लिक्विड होगा तो उसका जो विस्कोसिटी होगा वो आपके टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या होगा? घटेगा। तो ये आप लोग बहुत बढ़िया इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो विस्कोसिटी जो होगा वो गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, बट लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा। तो बताओ अगर मैंने बोल दिया कि विस्कोसिटी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो ऑलवेज इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या नहीं?
अलग अलग केस में ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो स्टेट क्या है, वो लिक्विड है या फिर गैस है। कोई दिक्कत? अब किसी के माइंड में अगर सॉलिड के बारे में बात बताओ ना, अरे भाई सॉलिड के अंदर में आप लोगों को विस्कोसिटी देखने को नहीं मिलेगा। विस्कोसिटी हमेशा फ्लूड का प्रॉपर्टी है, यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर में आपको विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स देखने को मिलेगा। तो सॉलिड का मामला हटा दो, आगे बढ़ते हैं। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस आपने पढ़ा, अच्छा गैस है ना, तो विस्कोसिटी कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसने बोला इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर से ही बात है। अच्छा लिक्विड है ना, तो विस्कोसिटी घटेगा जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो ये भी सही बात है। तो यानी तीन जब सही हो गया तो चौथा गलत ही तो होगा। तो चलो ना इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। भाई लिक्विड के अंदर में जो आपका विस्कोसिटी होता है वो प्रेशर पे नगण्य के बराबर उसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रेशर को बढ़ाओ प्रेशर को घटाओ विस्कोसिटी को कोई खाक को क्या बोलते हैं कोई खाक फर्क नहीं पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो याद रख लेना, जब भी विस्कोसिटी बोला जाएगा आपको खेलना किसमें, आपको खेलना है टेम्परेचर में। लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है, गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, और लिक्विड का जो विस्कोसिटी होगा गैस से ज्यादा होता है, बस मामला खत्म। और अगर कोई आइडियल फ्लूड है यानी अगर कोई आदर्श तरल पदार्थ है तो उसका जो विस्कोसिटी होगा, जो श्यानता का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। क्या बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड, यानी हमको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है किसके लिए भाई, किया जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए और साथ ही साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड फ्लोइंग इन ए पाइप। यानी अगर किसी पाइप में पानी बह रहा है तो किस रेट से बह रहा है उसको समझाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है भाई। तो आइए ना पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट्रीमीटर। क्या हो जाएगा, वेंट्रीमीटर। तो वेंट्रीमीटर एक ऐसा आपका डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, तो पाइप के अंदर में जो फ्लूड बह रहा है, जो पानी बह रहा है उसके कि उसके रेट को मेजर करने के लिए, उसके स्पीड को मेजर करने के लिए। और ये किस पे काम करेगा, तो ये आपके बर्नौली चाचा के प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो याद रख लेना वेंट्रीमीटर किस पे वर्क करेगा, यहां पे लिख देता हूं बर्नौली प्रिंसिपल यानी बीपी। समझ में आ रहा है मामला, समझ में आ रहा है मामला। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि अगर किसी पाइप के अंदर में अगर पानी बह रहा है तो उसका रेट क्या है, उसका स्पीड क्या है, किस रेट से बढ़ रहा है, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसको समझाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेना पड़ेगा उसका नाम है वेंट्रीमीटर। और ये किस पे काम करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे। आगे बढ़ जाते हैं। एक तरल में पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है, व्हाट कॉजेस सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड। यार लिक्विड के अंदर में सरफेस टेंशन क्यों आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में पढ़िए ना, तो समझने की कोशिश कीजिए। सरफेस टेंशन कहने का मतलब अगर कोई बीकर लोगे तो बीकर में अगर आपने पानी ऐसे भरा है, देखना समझना यहाँ पे, तो मामला क्या है, मामला ये है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा पानी ऐसे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर अच्छे से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इस वाले पानी के मॉलिक्यूल्स को हर जगह से फोर्स मिल रहा है, यानी इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जो है वो तो जीरो है, यानी ये हिलने डुलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा मामला, यानी जो बल्क वाला, ये कौन सा पानी का मॉलिक्यूल है, बल्क वाला यानी अंदर वाला। बट अगर मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया कि नहीं मैं इस पानी के बारे में बात कर रहा हूं जो सरफेस पे बैठे, किस पे, सरफेस पे। तो अरे भाई सरफेस पे जो पानी बैठे हैं उसको ऊपर से कौन खींच रहा है, कौन, कोई नहीं। इसका मतलब ये एयर का जो मॉलिक्यूल है कुछ हद तक खींच रहा होगा, बट नीचे कौन है, पानी है। तो उसका जो फोर्स लगेगा, जिस पे टेंशन क्रिएट होगा, वो नीचे से होगा ना, और नीचे से होने की वजह से इस पे एक इलास्टिक मेम्ब्रेन का लेयर चढ़ जाता है, लगता है खींच गया है, और इसी की वजह से इसके सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही पानी जो होता है ना उसमें डूबती मच्छर नहीं है, उसमें फ्लूट करती है, याद रख लीजिएगा। तो मामला क्या हुआ, सरफेस टेंशन के केस में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनपे नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या कहलाएगा, वो फोर्स कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। बोलोगे कोहेसिव का मतलब क्या होता है, जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो, यानी वाटर वाटर के बीच में फोर्स हो, तो मैं बोलूंगा फोर्स कैसा है, कोहेसिव हो। जब वाटर और ग्लास के बीच में होगा तो वो एडहेसिव होगा।
समझ में आ रहा मामला? तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को बोलते हैं ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। तो याद रख लीजिएगा, तो ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स की वजह से ही जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, एक एक पदार्थ के अणु, अब देखो ना क्या बोला कि अगर आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, अगर सेम सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अगर सब्सटेंस अलग अलग है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग है और उसके बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स में सिमिलर सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन होता है और एडहेसिव में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे एग्जांपल देखो ना, मान लीजिए यहाँ पे एक पानी की बूंदी गिरी थी और एक पानी की बूंदी यहाँ से आ रही थी, तो जैसे पानी की बूंदी आएगी आएगी जैसे यहाँ आएगी इसका स्पीड बढ़ जाएगा और अपने अपने में क्या कर लेगी, इस पानी की बूंद को समा लेगी। तो किस वजह, किस फोर्स की वजह से इसने पानी को पकड़ लिया अपने में, तो इसका रीजन होगा कोहेसिव फोर्स। क्यों भाई? क्योंकि दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ है जिसकी वजह से दोनों चिपक गया है वो कौन सा रीजन हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, कोहेसिव। आगे बढ़ जाते, बोला है कि ए भी स्थिरांक, बोला कि ए भी कांस्टेंट होता है, ए है एरिया है, वी वेलोसिटी है, ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है? तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना, एक आपका इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी स्थिरता का सिद्धांत या स्थिरता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो एरिया होगा ना वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जब एरिया को बढ़ाओगे तो स्पीड जो होगा पानी का वो कम हो जाएगा और जब एरिया को घटाओगे तो ये स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो एरिया होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाइप का, वो आपका स्पीड का, किसके स्पीड का, उसके अंदर में जो फ्लूड है इनवर्सली होगा। एरिया बढ़ाओगे स्पीड घटेगा, अगर एरिया घटाओगे स्पीड बढ़ेगा। तो बताओ ना, अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए भी क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा ना। तो ए भी कॉन्स्टेंट कहने का मतलब A1V1 = A2V2, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आ जाएगा। तो सिंपल सा मामला क्या है, एक बात समझो ना, मान लो आपका पाइप है, एक आपका ऐसे पाइप है, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, यहाँ पे पानी का स्पीड V1 है और यहाँ पे पानी का स्पीड V2 है। अब मैंने बोला कि V1 V2 से बड़ा होगा, V2 V1 से बड़ा होगा, A1 A2 से बड़ा होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या सोचोगे आप लोग? आप लोग यही सोचोगे, अरे अभी तो आपने पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, जिसका एरिया ज्यादा उसका स्पीड कम। एरिया किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, स्पीड किसका कम होगा, इसका कम होगा, यानी V2 कम हो जाएगा, V1 ज्यादा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा V1 greater than V2। मामला समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बताता है कि अगर किसी भी पाइप के अंदर में पानी का फ्लो हो रहा है, किसी फ्लूड का फ्लो हो रहा है, तो वो एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एरिया बढ़ाने से वेलोसिटी घटेगा और वेलोसिटी घटाने से एरिया बढ़ेगा। मामला खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। तो बताओ ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कहां पे था, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यहां पे है ना, कंटिन्यूटी आंसर ठोक दे। मामला समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक बात है। चलिए, कांच की प्लेट पर पानी की बूंदे फैल कर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, इसका कारण क्या है भाई? तो समझिए ना, जो पूरा फैल जाएगा उसका एडहेसिव फोर्स ज्यादा है और जो गोला हो जाएगा उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। सिंपल, समझ में आ रहा बात? यानी अगर मैंने बोला कि कांच की प्लेट पर पानी के मैं बूंद को, ये मेरे मान लीजिए कांच की प्लेट है, ठीक है ना, इस पे मैंने पानी को जब डाला तो मैंने देखा कि पानी कुछ ऐसे फैल गई है, पूरा का पूरा ऐसे कांच की बूंद पर क्या हो गए, पानी ऐसे फैल गई। अब ये क्यों फैली? क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इस कांच के साथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा। अब बताओ ना, किसको कहां पे लपेट रहे हो, पानी और ये रहा कांच का टुकड़ा, ये रहा कांच। तो कांच अलग सब्सटेंस है,
पानी अलग सब्सटेंस है, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे एडेंसी फोर्स। क्या बोलोगे? एडेंसी फोर्स। क्या बोलोगे? एडेंसी फोर्स। यानी जब दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच का फोर्स जीतता है तो समझना कि वो फैल जाएगा, और जब वो हारेगा तो गोलाकार होकर सिकुड़ जाएगा। सिंपल। तो करेक्ट इसका आंसर होगा कि कांच के साथ पानी की संबद्धता इसकी अनुशक्ति से अधिक होती है, बस और कोई बल। यानी द एफिनिटी ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ग्रेटर देन इट्स स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल सही बात। यदि बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है, बहुत शानदार प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। यानी यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है, एक बर्तन है ठीक है ना, और उसमें आपकी एक बर्फ तैर रही है और धीरे धीरे पिघल रही है, और उसमें पानी भी रखा है, समझो कि एक बर्तन में आपने पानी रखा है और पानी में बाहर से आइस क्यूब ला के उसमें टपका दिया, तो क्या होता है? क्या पानी के स्तर में परिवर्तन होता है? क्या नहीं, जैसे जैसे वो पिघलेगा पानी के स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं। शानदार प्रश्न है, तो याद रख लीजिएगा, अगर किसी भी आइस के टुकड़े को पानी के अंदर में डालोगे तो पिघलने के दौरान उसमें पानी के स्तर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग घर पे भी देख ले, कोई दिक्कत की बात, तो नो चेंज, नो चेंज। आगे बढ़ते हैं। मामला समझ में आ रहा है? लाइक टोक दीजिएगा अगर मन करेगा तो। चलिए आगे बढ़ जाते। फिर क्या बोला? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से पूछा गया और सारा का सारा एसीसी का ही प्रश्न। क्या बोला है? व्हाट विल बी द चेंज इन द लेवल ऑफ, यानी वाटर के लेवल में क्या चेंज होगा भाई, इन अ वेसल व्हेन अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इट। यानी अगर मैंने किसी वेसल के अंदर में एक आइस का पीस डाल दिया पर धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगा, तो वाटर के लेवल में क्या परिवर्तन आएगा? कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विल रिमेन द सेम, यानी जो पहले रहेगा वही सेम रहेगा। किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्रावण बल होगा उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ये किसका मानना था भाई? तो ये आर्किमिडीज चाचा का मानना था। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि अगर आपने किसी भी बॉडी को किसी फ्लूड के अंदर में, किसी पानी के अंदर में फुली या पार्शली डुबा दिया है, तो उसके वजन में थोड़ा सा आभासी कमी आएगी, और वो कितनी कमी आएगी? तो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज चाचा की जय हो। इंग्लिश पढ़ लीजिए। द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यानी उस ऑब्जेक्ट ने पानी के कितने वेट को हटाया है उतना ही उसका वेट लॉस होगा, उतना ही उसका वेट लॉस होगा। मामला समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बोलेगा कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबाते हो तो वो कितना वेट को पानी का लॉस कराएगा? तो जितना उसके वेट में आभासी आई है, कमी आई है। आगे इसका आर्गुमेंट इज, आगे बढ़ जाते। कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वो ऊपर जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है? उसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा घुमा के बढ़िया से लिख दिया। मामला वही है आर्किमिडीज। मामला क्या है? आर्किमिडीज। आगे बढ़ जाओ। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है, यानी आपने किसी वस्तु को फ्लूड के अंदर में डाला, तो आप देखते हो कि कोई ना कोई एक बल लगता है जो नीचे से ऊपर की, लगता है कि नीचे से कोई आपको धक्का दे रहा है, तो जो ऊपर की तरफ बल लगता है उसको ही तो अप थ्रस्ट बोला जाता है। आपका मतलब ऊपर की तरफ और थ्रस्ट का मतलब एक फोर्स। तो जब भी आप किसी फ्लूड को पानी के अंदर में डालोगे तो उसके ऊपर एक नीचे से ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लगता है, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसका नाम होता है बायोंट फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोंट। आगे बढ़ जाते हैं। डेंस के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है डेंस के बराबर होता है। तो जब भी हमारा बात आएगा दबाव का, प्रेशर का, तो याद रखना आप पास्कल चाचा को। तो प्रेशर का मतलब पास्कल याद कर लो। तो अगर मैंने किसी फ्लूड के ऊपर फोर्स लगा के उसके प्रेशर को चेंज करने की कोशिश किया, तो याद रखना हर एक डायरेक्शन में प्रेशर का जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा? सेम आपके मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्कल है तो प्रेशर ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। द हाइड्रोलिक जैक विच इज यूज टू लिफ्ट अ लोड, आपने देखा होगा जब कार का सर्विसिंग होता है या जब कार को धोया जाता है, ठीक है ना, तो उस समय उसको ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो जो ऊपर चढ़ता है लोड
वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पे काम करेगा, हाइड्रोलिक जैक पे काम करता है, वो किस लॉ को मानता है? तो वो भी आपके पास्कल के लॉ को मानता है। किसको मानेगा? पास्कल लॉ। तो याद रख लीजिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक जितने भी होते हैं जो लोड को उठाने का काम करते हैं वो पास्कल लॉ पे बेस्ड होते हैं। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों भाई? तो एक बार याद रख लेना, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा ज्यादा सैलिनिटी वाला होता है, उसके अंदर में लवणता ज्यादा पाया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि बहुत सारी नदियां होती है जो पृथ्वी से लवण को उठाएगी और बहा कर लेके जाएगी और समुद्र में समा जाएगी। तो होगा क्या, नदियां आई लवण लेके आई, नदियां लवण लेके आएगी और समुद्र में समा जाएगी, तो मामला क्या होगा, समुद्र में आपका लवण का जो लेवल है यानी सैलिनिटी का जो लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नदियां, नदियां का समा जाना समुद्र में लवण के साथ वो किसको निर्धारित करता है, तो उसका लवणता जो होगा सैलिनिटी होगा वो वर्षा जल से क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बढ़ जाए, इसी के साथ फिजिक्स अपना होता है खत्म। मामला समझ में आ रहा है? तो कुछ आप लोगों ने नया नया क्वेश्चन सीखा होगा तो लाइक ठोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पायरोल्यूसाइट डैश का एक अयस्क है, पायरोल्यूसाइट डैश का एक अयस्क है, याद रख लीजिएगा। ये मैंने नहीं अपने से सेट किया, एसएससी के ये पीवाईक्यू क्वेश्चन 21-22-23 वाले, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं भी सरप्राइज हूं कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। समझ में आ रहा है बात? फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि आप लोगों को आज याद करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, मिलकर याद करेंगे और क्या। देखो, तो सबसे पहले पायरोल्यूसाइट है, इसको याद कराते हैं, लॉजिक के चक्कर में मत पड़िए, रटना है तो रटो, आते हैं मिलके रटते हैं। लिखता हूं मैं पायरोल्यूसाइट, देखो मैंने पायरोल्यूसाइट लिख दिया। अब इसको कैसे याद रखोगे, कि याद रखिए कि आपके पैर में लग गया लू, पैर में क्या मार दिया है, अब बताओ आपको पैर में लू मार, तो क्या आप साइट पे, साइट मतलब काम पे जाओगे क्या? नहीं, यानी पैर में आपका लू मार दिया है तो साइट पे जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, और मन का मतलब MN और MN का मतलब हो गया मैग्नीज, तो याद करते हैं ना ठीक बना के। तो याद रख लीजिएगा, पायरोल्यूसाइट यानी पैर में लू मारा तो साइट में जाने का मन नहीं करेगा, और मन से मैग्नीज, मामला खत्म। समझ में आ रहा बात? अरे हीना, ये भूल रहा है ना कि वर्षा का जल के अंदर में जो सैलिनिटी होगा, जो लवणता होगा, वो समुद्र के जल के तुलना में कम होता है, यानी सिंपल, समुद्र के जल में लवणता वर्षा के जल से ज्यादा क्यों होता है? तो रीजन यही है कि जैसे जैसे नदियां आती है जाती है और समुद्र में मिल जाती है, तो नदियां क्या करेगी, वो सतह से चिपकी हुई होती है, तो सतह से लवण निकालेगी और समुद्र में जाके डालती जाएगी, तो क्या होगा, तो उसकी वजह से समुद्र के अंदर में सैलिनिटी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे याद करोगे, पैर में लू मार दिया तो साइट पे जाने का मन नहीं कर रहा है, और मन से हो जाएगा मैग्नीज। याद करते हैं मिल के, और सब स्पॉन्टेनियस बनाऊंगा, आपको भी याद करना है मेरे साथ, मैं भी याद करूंगा और क्या, मेरे को तो ऑलरेडी याद है बट फिर भी मैं याद करूंगा। मामला खत्म। तो पैर में लू मार दिया, साइट पे जाने का मन, मन का मतलब मैग्नीज। आगे बढ़ जाते, बता दिया ही ना, देखो अच्छे से प्लीज, आगे बढ़ो। अब बोले मैग्नाइट डैश का एक अयस्क है, फिर आ गया मैग्नाइट, तो देखो ना मैग्नाइट को उठाओ, मैग्नाइट में क्या है, मैन है, क्या है, मैन है, और मैन का यानी आदमी का जो मन होता है वो मतलब फिक्स नहीं होता है, कब मन अच्छा हो जाएगा कब मन बुरा हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। अरे गोली मारो ना मन को, इसके आगे क्या लिखा है, मैग्नेटाइट को MAN और A को जब काटोगे तो क्या बन गया, MN, यानी सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ऐसे याद कर लो ना, क्या जाता है, मिल के याद कर लेंगे। तो मैग्नीज अगर बोला कि भाई मैग्नेटाइट, मैग्नाइट का फॉर्मूला वो किसका और है, तो लिख लेना MAN, मैन हो गया, A को काटो क्या हो गया, MN, सिंपल। समझ में आ रहा है मामला, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो याद रख लेना, दो मैंने याद करा दिया, एक मैंने करा दिया पायरोल्यूसाइट पहला, और दूसरा मैग्नेटाइट, मैग्नाइट, ये दोनों का दोनों मैग्नीज का ओर है। शानदार, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़। बेराइल या बेरिल इज एन ओर ऑफ, अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, उठाओ ना बेरिल को, और बेरिल में देखिए रील नहीं बनाना है, रील को गोली मारो, रील बनाना बुरा आदत है, तो उठाओ ना बेरिलियम को, बीई का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बेरिलियम, क्या रटने का जरूरत पड़ेगा, क्या याद हो जाएगा कि नहीं, तो जब बेरिल आएगा तो रील को हटा दो, बचा क्या बीई, और बीई किसका सिंबल होता है, बेरिलियम का होता है, तो बताओ ना कितना आसान है, बेराइल जो बेरिल होगा वो किसका और होगा, वो बेरिलियम का और होगा। मामला खत्म, सब याद हो रहा है,
पायरोल्यूसाइड, पैर में लू मार दिया तो साइड पे जाने का मन नहीं कर रहा है। और अभी आपने पढ़ा मैग्नाइट, तो मैन को MN से सोचना है, और ये क्या है, बेरिल है, रिल नहीं बनाना है, BE बचा, BE का मतलब बेरिलियम ही तो होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, चलिए बॉक्साइट। यार बॉक्साइट अगर आप लोगों को नहीं पता तब दिक्कत है, बॉक्साइट सब कोई जानता होगा कि जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम का ओर, ठीक है ना। अगर इसमें भी दिक्कत है तो सिंपल से याद रख लीजिए, अनुभव, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, नहीं एक वो कहानी है, मतलब आप लोग शायद अलग अलग जगह से हो सकते हैं, तो जो रोपना होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में बोना, ठीक है ना। तो ये आलू से हो जाएगा आलू, और आलू को बोना है, बो यानी आलू के बो दो, तो बो से हो जाएगा बॉक्साइड। बट ये बहुत वाहियात तरीके से हटा दो, ये याद होगा यार लॉजिकली, बॉक्साइड किसका होगा? एल्युमिनियम का। तो इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, जिसमें जरूरत पड़ी उसमें मिलके बना लिया जाएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइड तो सबको पता होगा, आगे बढ़ जाए। चलो कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? समझ में बहुत बढ़िया आएगा, अब देखिएगा इसको कैसे याद करते हैं, मिलके याद करते हैं। देखो किस मतलब आगे नहीं बढ़ना, किससे राइट मांगू। अब ये मामला ये है कि बेचारा जाम में कोई पर्सन फंसा हुआ है, अब बहुत लोग गाड़ी लेके हॉर्न बजा रहे हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि किससे राइट मांगू और किससे लेफ्ट मांगू। तो किससे राइट का मतलब हो गया, सीधे उठा के छाप दो, देखो ना किससे राइट, तो किससे राइट मतलब किसे राइट हो जाएगा, और मांगू से MG, ये मन वाला नहीं है, ये मांगू है, तो जी आएगा, और मांगू से मैग्नीशियम। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जैसे आपके एग्जाम में किसे राइट आए तो समझना है कि किससे राइट मांगू, और मांगू से हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे बढ़ जाते, तो ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं बाय गॉड आप लोगों से बोल रहा हूं कि इसमें का 40% क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आ रहा था, और ना जाने मैंने साइंस को कितने तरीके से पढ़ा, शायद मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ इसमें का क्वेश्चन, जैसे यही ले लो। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से, इसको ट्रिक्स याद करने से शायद फायदा हो जाएगा, याद कर लोगे, तो इसीलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस जरूरी है। तो किससे राइट मांगू, आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे बढ़ जाते, अब चलते थोड़ा डोलना, डोलोमाइट का एक उदाहरण है। तो जब भी बात किया जाएगा डोलोमाइट का, किसका? डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट किसका हो जाएगा? डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का ओर हो जाएगा, डोलोमाइट मैग्नीशियम का ओर हो जाएगा। समझ में आ रहा मामला? क्लियर मामला? तो डोलोमाइट किसका और हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा। इसको आप लोग ट्रिक बना लेना, सोच लेना, कुछ बन जाएगा तो बन के याद करें, याद हो जाएगा डोलोमाइट किसका? मैग्नीशियम का, ठीक है। आगे बढ़ जाते, पेंट लेडाइट, भाई साहब गजब गजब नाम है। चलो अब इसको ट्रिक बताता हूं, इसका ट्रिक ऐसे बनाऊंगा कि आप लोग भी पगला दोगे कि क्या क्या बना रहे, बट याद करो भाई, मिल के याद करेंगे। चलो मैं करता हूं भाई, मेरे को डाइट पे जाना है, मेरे को जरूरत भी नहीं है डाइट पे जाने की, मतलब जिसका भाई वजन मामला है, ठीक है ना, तो उसको डाइट पे जाना जरूरी है, तो चलो उसको लेके चलते हैं और उसको ट्रिक याद कराते हैं। तो मैंने बोला कि भाई पेंट ले ले, पेंट मतलब पैंट वेंट जो आपका लोअर वोर होगा नॉर्मल, पैंट ले, ठीक है ना, और डाइट पे निकल, पैंट लेके डाइट पे क्या कर, निकल जा भाई, ठीक है ना, निकलना पड़ेगा तब जाके मामला फिट होगा। तो क्वेश्चन देखो ना कितना बढ़िया से याद हो जाएगा, निकल, तो पेंट ले डाइट आ गया कि नहीं बताओ, पेंट ले और डाइट पे निकल, और निकलते हो जाएगा निकल। अब ये ट्रिक अगर याद नहीं होगा तो कौन सा ट्रिक याद होगा, पेंट ले, पेंट पहन ले भाई, और कहां निकल, डाइट पे निकल, तो पेंट ले डाइट पे निकल, और निकल से निकल, मामला खत्म। सब याद करा दूंगा आप लोगों से, टेंशन मत लो, और मैं अभी बना रहा हूं, ये नहीं कि मैं पहले से बना के रहा, अभी मैं भी सोच रहा हूं, आपको भी सोचना है, याद करके जाना है। समझ में आ रहा है मामला? आगे बढ़, तो पेंट ले और डाइट पे निकल, तो ये किसका ओर है, ये निकल का ओर है। आगे बढ़ो, फिरोजा, अब देखो
और फिरोजा है, क्या है फिरोजा है, क्या है फिरोजा है। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूं, पेंट ले, पैंट ले और डाइट पे चल निकल जा, निकल से निकल, आगे बढ़ो। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, फिरोजा है, इसको मैं दो तरीके से याद कराता हूं, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। दो तरीके से याद कैसे करेंगे, एक तो फिरोज गांधी को याद करो, किसको, फिरोज गांधी को। आप लोग नाम जानते हो फिरोज गांधी के बारे में, इतिहास उतिहास पढ़े होंगे तो शायद जानते हो, बट हटाओ, फिरोज गांधी कोई पर्सन थे, अच्छी बात है, वो इंसान थे तो उनका इज्जत होगा और आप लोग जानते हो उनके बारे में। अब मैं क्या करता हूं, मैं ट्रिक बनाने के लिए उस फिरोज गांधी को फिरोज कपूर बना देता हूं, क्या बना देता हूं, फिरोज कपूर, समझ में, इसलिए कि आपने बॉलीवुड में देखा बहुत सारे कपूर वपूर लोग आते हैं, तो फिरोज गांधी को मैं क्या बनाता हूं, फिरोज कपूर बना देता हूं। तो जब भी मेरे से बोले फिरोजा किसका हो रहे हैं, तो कपूर का, और कपूर का मतलब कॉपर, कपूर का मतलब कॉपर। अब बोलोगे नहीं यार अच्छा नहीं, इतना मेहनत करके बेचारा अपना नाम किया और आप गांधी को कपूर बना रहे हो, ये गलत बात है, चलो ठीक है उनको हटा देता हूं। तो फिर एक काम करो, फिर एक काम करो, इस रोजा को याद रखो, इसको रोजा को। अब आप जानते हैं कि रोजा एक पर्व जैसा होता है, और पर्व का मतलब एक फेस्टिवल हो गया, और फेस्टिवल में लॉजिक क्या लगोगे, अब आ जाओ अपने में। तो हम लोग फेस्टिवल में क्या करते हैं, हम लोग आरती करते हैं, अपने अलग अलग जो भी कास्ट होता है आरती करते हैं, तो आरती में होता है ना कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। तो रोजा को याद करो, फेस्टिवल है, फेस्टिवल में होगा पूजा, और पूजा में याद आ जाएगा कपूर, यानी कपूर से हो जाएगा कॉपर। तो या तो फिरोजा गांधी को फिरोजा कपूर बना दो, या फिर रोजा को फेस्टिवल से रिलेट करके कपूर उसमें डाल के आरती करवा दो, मामला सिंपल, समझ में आ रहा है मामला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोजा का। तो ट्रिक बता देता हूं, फिरोजा से याद कर लेना, फिरोज गांधी को फिरोज कपूर बना दो, कपूर से कॉपर, या रोजा मतलब आपका पूजा, और पूजा से हो जाएगा कपूर यानी आरती के लिए। आगे बढ़ो, फिर मैंने बोला पैंट लेके डाइट पे निकल से निकल हो जाएगा, फिर मैंने बोला डोलोमाइट मैग्नीशियम, आगे बढ़ जाओ, फिर मैंने बोला किससे राइट, मैंने बोला किससे राइट, मांगू, मांगू से मैग्नीशियम, आगे बढ़ो, बॉक्साइट वाला एल्युमिनियम याद ही था, बेरिल, मैंने बोला रिल नहीं बनाना है, काट दिया, और बीई से बेरिलियम, आगे बढ़ जाओ, फिर मैग्नाइट, मैंने बोला कि मैग्नाइट को अच्छे से देखो ना, मैन लिखा हुआ है, मैन में ए को उड़ाओगे तो क्या बचेगा, एम एन यानी मैग्नीज हो जाएगा। पायरोल्यूसाइट, मैंने बोला पैर में लू मार दिया है, साइट जाने का मन नहीं कर रहा है, मन से हो जाएगा मैग्नीज, बताओ ना क्या हो जाएगा, कभी जिंदगी में गलत करोगे क्या, ये सारे का सारा ट्रिक अगर पूछा जाएगा एग्जाम में पूरा गर्दा उड़ा के आ जाओ, समझ में आ रहा है मामला, समझ में आ रहा है मामला, ठीक है ना। तो फिरोज कपूर, तो फिरोजा किसका हो रहा है, कपूर यानी कॉपर का, मामला खत्म जी। हेलो, आगे बढ़ जाते हैं, अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा मैंने याद करा दिया, अब क्या करना है आप लोगों को, छोटा सा पेज बनाने, और आज 7-8 मैंने जो भी और का नाम लिखवाया उसको लिख के ट्रिक कर लो, मामला खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते, बोला कि लवण की सांद्रता यानी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन हाइपर सलाइन, अरे भाई सलाइन का मतलब होता है लवण, समझ में आ रहा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा। तो आपने देखा होगा हाइपर टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो सिंपल सा बात है, सलाइन का मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, हाइपर का मतलब बढ़ गया होगा, तो कितना बड़ा होगा भाई, याद रख लीजिएगा भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, और ट्रिक मैं बताता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो। देखो क्या है, हाइपर, मैंने लिख दिया हाइपर सलाइन लेगून, तो बताओ हाइपर का मतलब बढ़ जाना, आगे लगा दो प्लस, क्या लगा दो प्लस, और लेगून में देखो ना, लेगून में एक एन जो है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, और दो ओ है यानी दो जीरो है, तो सिंपल हाइपर सलाइन मतलब प्लस, और लेगून में एक और दो जीरो यानी 100 से बढ़ जाना, टेंशन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मैं पूरा का पूरा गेमिंग लवर, हेलो, मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक से एक एक क्वेश्चन रटवा सकता हूं, एक एक क्वेश्चन, समझ में आ रहा बात, बट आप लोग थोड़ा पेशेंस, मैं पहले आप लोगों को धीरे धीरे, नहीं होता है, आराम आराम से सीक्वेंस में करा रहा हूं, और एक ऐसा समय का कि एक एक लाइन क्वेश्चन का मैं ट्रिक बता दूंगा, कोई दिक्कत क्यों। अब बताओ ये क्वेश्चन रटना था सिंपल, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, तो आप क्या करोगे ट्रिक, अच्छा हाइपर सलाइन लेगून है ना, हाइपर का मतलब अच्छा बढ़ता है, बढ़ता है मतलब आपने लिखा प्लस, और लेगून को देखो ना, लेगून में सबसे पहला एल कैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा, तो मैंने एक लिख दिया, और इसमें दो दो ओ है, और दो दो ओ किसके जैसे दिखाई देते, जीरो जैसे, तो दो जीरो टपका दो ना, तो 100 प्लस होगा, यानी 100% से ज्यादा होगा, बोला है ना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन हाइपर सलाइन लेगून इज ग्रेटर देन, खेल समझ में आ रहा है, बताओ इसका भी ट्रिक हम लोगों ने निकाल दी कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे पूरा का पूरा आप लोग रट जाओगे, दिक्कत नहीं हो, आगे बढ़ो,
मैलेकाइट। अब मैलेकाइट का अयस्क क्या है, तो मैलेकाइट के बारे में थोड़ा बता दो। अब ये आप लोग को खुद से बताना, बताओ। अब देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं ट्रिक बताऊंगा हंसना मना है, और बस याद कर लो ठीक है ना चुपके से। तो चलो मैलेकाइट का मतलब याद करते हैं। मैलेकाइट को याद रखो मलाइका से, किससे? मलाइका अरोरा। मैलेकाइट को याद रखो मलाइका अरोरा। और मलाइका अरोरा के जो आपके तथाकथित जो आपके मित्र दोस्त हैं, उनका नाम है अर्जुन कपूर। क्या नाम है? अर्जुन कपूर। गलत तो नहीं होगा भाई मलाइका वाला मामला, तो समझ जाओ। तो क्या है? मैलेकाइट है। मैलेकाइट को याद रख लेना, मैलेका यानी मलाइका, और मलाइका को ईंट से नहीं मारना है भाई, अभी उसको रोको। मलाइका जो मामला है उनके जो पुरुष मित्र है उनका नाम है अर्जुन कपूर। कपूर से याद रखिए कॉपर, बस कपूर से याद रखिए कॉपर। वाह सब ट्रिक बनाओ, सब रट जाते हैं मिलके, ठीक है ना, बहुत बढ़िया पूरा। तो मामला पढ़ाई का ऐसा ही होना चाहिए, हंसते खेलते सब याद होना चाहिए। आगे भविष्य में आप लोग दिल्ली पुलिस में आप लोग अगर आप लोगों का जॉब हो जाता है तो इसमें कोई लॉजिक लगने वाला नहीं है। अब बताओ इसका क्या इस्तेमाल होगा पुलिस कांस्टेबल में, कि किसका कौन सा और है, किसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कुछ नहीं, बस एग्जाम को पास करना है तो उसी के आधार पे पढ़ना है। ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं। गेमिंग लवर डेली आप लोग को 8 बजे यहाँ पे क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना भाई? तो समझ में आ रहा है? तो मैलेकाइट को मलाइका, और मलाइका के साथ कौन जुड़ गए हैं? कपूर साहब जी यानी कॉपर जुड़ गए। आगे बढ़ जाओ। क्रोमाइट का अब ये बताने वाला नहीं, सिंपल क्रोमाइट है भाई, तो में क्रोमियम छुपा है। देखो ना CHR को जब देखोगे तो देखो ना CR छुपा है ना, यानी सिंपल सा क्या हो जाएगा? क्रोमियम। तो क्रोमाइट जो होता है वो किसका और होता है? वो आपका क्रोमियम का और होता है। किसका और होगा? क्रोमियम का और हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। हेमेटाइट। क्या? हेमेटाइट। तो यार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये जब भी पूछा जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आप सभी जानते हैं आयरन, लोहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला मैंने बोला था ना Fe2O3, ये होता है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। फिर Fe3O4 वो होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। तो ये सारे का सारा किसका और है? आयरन का ही तो है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। अब देखो ना मैग्नेटाइट क्या हो रहा है? मैग्नेटाइट किसका और है भाई बताओ? अभी तो आपने पढ़ा हेमेटाइट भी आयरन का, मैग्नेटाइट भी आयरन का, सिंपल। समझ में आ रहा है मामला? ये तो जानते ही होगे ना, तो इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत, 50 बार आप लोगों ने पढ़ा होगा हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब। तो मैग्नेटाइट बॉक्साइट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैग्नेटाइट हो या हेमेटाइट हो दोनों किसका और है? आपका आयरन का, तो करेक्ट इसका आंसर जाएगा आयरन। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अयस्क नहीं है? कौन सा लौह यानी आयरन का? आयरन का देखो अभी आपने पढ़ा हेमेटाइट, यस, मैग्नेटाइट बिल्कुल सही, सिडराइट इसके नाम में ही देखो ना क्यूपराइट, अच्छे से लिखो क्यूपराइट में देखो ना कौन है? कॉपर है। तो ये कॉपर का और होगा ना, ये आयरन का कहां से हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा आयरन के हेमेटाइट होगा, आयरन का मैग्नेटाइट होगा, आयरन का सिडराइट होगा, बट क्यूपराइट होगा कॉपर का, क्यूपराइट होगा कॉपर का। आगे बढ़ जाओ। सिनेमा क्या है? सिनेमा थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सिनेमा के बारे में आप सभी जानते हैं, सिनेमा किसका और होता है? पाड़ा का। ये पाड़ा भैंस वाला पाड़ा नहीं है, ये आपका मरकरी वाला पाड़ा है जिसका सिंबल HG होता है और इसका नाम होता है हाइड्रागायरम। तो याद रख लीजिएगा, और ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। कहां पे? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो याद रख लीजिएगा सिनेबार जो होगा वो किसका अयस्क होगा? मरकरी का यानी पारा का यानी HG का। मामला आगे बढ़ जाए। फिर से वही बात, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा, इसी एग्जाम में पूछा सिनेबार डैश का एक अयस्क है, और दूसरे में देखिए सिनेबार किस धातु का? अरे यार बात तो भैया पे धातु टक्का दिया, तो धातु कौन है? मरकरी यानी पाड़ा। करेक्ट आंसर पाड़ा। वाह क्या समय आ गया, पाड़ा पाड़ी यही सब हम लोग पढ़ रहे, बट कोई नहीं नंबर यही देगा पढ़ना, इसी को पढ़ेगा। आगे बढ़ो। अब इसी के साथ केमिस्ट्री का सिलसिला होता है खत्म। तो फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया, केमिस्ट्री मैंने बता दिया, अब बाड़ी है बायोलॉजी की।
तो अब चलिए बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले थोड़ा आंखों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके बिना तो शायद आप लोग देख भी नहीं पाएंगे लेक्चर, तो उसके बारे में देखें। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एक काम करो ना, इसको निपटा ही देते ना तगड़े तरीके से, आ जाओ समझने की कोशिश करो। डायग्राम पे बिल्कुल मत जाना, डायग्राम मेरे को बनाने आता है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए जुगाड़ू डायग्राम बनाता हूँ, जिसको आप लोग खुद बना लोगे और समझ जाओगे। तो चलो बनाते हैं डायग्राम आंख का, देखो कैसे बनाया जाएगा, अच्छे से एकदम बढ़िया मस्त समझिएगा। ये रहा आपका आंख का आगे का भाग, ये रहा पीछे का भाग, वाह ये आंख बन गया। इसको बोलते हैं आपका आंख का बॉल, यानी इसको बोलते हैं आई बॉल। और इस आई बॉल का जो आपका डायमीटर होगा लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। अब समझने की कोशिश करना, ये जो आगे की तरफ, ये जो आगे की तरफ उबड़ा हुआ भाग है ना, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला जाएगा? कॉर्निया। चलो कॉर्निया के बारे में पूरा पूरा चीज लिखते हैं। पहला जो कॉर्निया होता है, ये आपकी आंखों का आउटर पार्ट होता है। क्या होगा? आउटर पार्ट होगा। दूसरा, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रेक्शन होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा। कहाँ पे? इसके आउटर सरफेस पे। तीसरा, एकदम आराम आराम से करो, टेंशन नहीं लेना। तीसरा, यही जो होता है कॉर्निया, चलो समझने की कोशिश कर। अच्छा नहीं जाएगा, इसको हटाई देते। हाँ अब दूसरा पॉइंट क्या रहा? हाँ अब दूसरा तीसरा पॉइंट क्या रहा कि जो कॉर्निया होता है इसके थ्रू लाइट क्या करेगा? इंटर करेगा, लाइट इंटर करेगा। और कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी लाइट को आर पार करने देगा। और साथ ही साथ इसी कॉर्निया का डोनेशन किया जाता है आई डोनेशन के समय। जब आई को डोनेट किया जाता है तो आंखों का कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। समझ में आ रहा है मामला? समझ में आ रहा है मामला? आगे बढ़ जाओ। अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसका बात करता हूं, अब थोड़ा चलते आगे। अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपके हैं आयरिस मसल। क्या है? आयरिस मसल। आ जाओ आयरिस के पास। आयरिस मसल आपका है गेट कीपर। क्या है? गेट कीपर। थोड़ा समझना, ये क्या है? गेट कीपर है। क्या है भाई? गेट कीपर है, यानी ये दरवाजा को खोलने वाला गार्ड है। क्या है? गार्ड है। सर एमपी पुलिस की कट ऑफ तो बता दो प्लीज। कुलदीप सिंह भाई, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मेरे भाई, अगर मैं क्लास खत्म कर दूंगा, अगर उचित समय रहेगा और मेरे को प्राप्त जानकारी रहेगी उपयुक्त जितना आप इसमें रिक्वायर्ड है, तो जरूर आपको बता दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। बट सॉरी अभी के लिए, अभी मैं केवल क्लास पे फोकस कर रहा हूँ मेरे, ठीक है। सॉरी फॉर दिस कंडीशन। बस कुलदीप आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अगर आप जुड़ जाएंगे तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई यहाँ के जो भी शिक्षक गण है आपको जरूर प्रोवाइड करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जैसे कॉर्निया के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा सुरक्षा गार्ड। अब आयरिस क्या होगा भाई? तो आयरिस जो होता है ना वो आपका कलर्ड पोर्शन होता है आंखों का। तो एग्जाम कि बताओ आपकी आंखों का कलर्ड पोर्शन कौन है, यानी किसी का आंखों का रंग भूरा होता है, ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का वॉयलेट होगा, जो भी कलर होगा उसको देने का काम कौन करेगा? आयरिस करेगा। अब आयरिस सुरक्षा गार्ड है, तो भाई दरवाजा का नाम बताओ ना। तो ये जो दरवाजा है ना, ये दरवाजा, इसको बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाएगा? प्यूपिल। क्या बोला जाएगा इसको? प्यूपिल। समझ में आ रहा है मामला? यानी दरवाजा था आयरिस। ये जो दरवाजा, दरवाजा को बंद खोलने वाला काम कौन करेगा? आयरिस, क्योंकि गेट कीपर है, और जो दरवाजा है वो हमारा प्यूपिल। तो सिंपल सा बात है कि हमारे आंखों में कितना लाइट आने देना है, कितना जाने देना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आयरिस डिसाइड करेगा। और कैसे करेगा? कभी दरवाजा को बंद कर देगा, कभी दरवाजा को खोल देगा। तो एग्जाम में बोला जाता है कि द साइज ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाई आयरिस। प्यूपिल के साइज को बढ़ाना घटाना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना किसका काम है? आयरिस का काम है। सिंपल, मामला खत्म। इतना अभी आप लोग समझ लीजिए, बस समझ में आ गया मामला, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो बोलो ना यहाँ पे किसका बात हम लोग करेंगे? आयरिस का और प्यूपिल का। आयरिस का दिखाई दे रहा है क्या भाई? केवल प्यूपिल दिखाई दे रहा है। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपिल। तो आप लोग सिंपल सा बोलोगे, आंखों में कितनी रोशनी, कितनी लाइट को जाने देना है वो डिसाइड करेगा प्यूपिल। कभी प्यूपिल
फैल जाएगा, कभी सिकुड़ जाएगा। अगर लाइट कम रहेगा तो फैल जाएगा ताकि ज्यादा लाइट आए, अगर अगर लाइट ज्यादा रहेगा तो सिकुड़ जाएगा कि लाइट कम आए। मामला समझ में आ रहा है? तो इस सिकुड़ने और फैलने को कौन बांध के रखा? आयरिस। आयरिस क्या? गेट कीपर है। लाइट कम है, दरवाजे को खोल दिया, प्यूपिल को खोल दिया, भाई जा फैल जा। और अगर लाइट ज्यादा है, दरवाजे को बंद कर दिया, भाई तू सिकुड़ जा। किसको सिकुड़ा रहा है, फुला रहा है? ये प्यूपिल को सिकुड़ा रहा है। मामला समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ चल। आंख के पारदर्शी, अभी तो मैंने बोला आंखों का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो आगे की तरफ उभड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? यही तो मैंने बोला कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? कॉर्निया यानी ट्रांसपेरेंट। आगे बढ़ जा। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दृष्टि पटल पर अधिक संख्या में शलाकाए और कम संख्या में शंकु होते हैं? तो मामला क्या है कि जब भी आप आंख को देखोगे तो आंखों के ये जो है उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। यही पे इमेज बनता है जो रियल इन्वर्टेड का होता है। इसके पास इनॉर्मस अमाउंट में फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है रॉड सेल और एक का नाम होता है कोन सेल। रॉड सेल रात को एक्टिव होगा, यानी रातों में अपना जलवा कौन दिखाएगा? रॉड सेल। और कोन सेल आपका कलर विजन है, तो आप लोग अलग अलग कलर को डिस्टिंग्विश क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपकी आंखों के पास कोन सेल भरपूर मात्रा में। और मान लो अगर बोला कि कम संख्या में शंकु, यानी अगर कोन का लेवल बढ़ जाए तो रोड बढ़ जाएगा, और रोड बढ़ जाएगा तो क्या दिखाई देगा? रात में। और रात में कौन देखता है? उल्लू। समझ में आ रहा मामला? तो याद रख लीजिएगा, रेटिना के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फोटो सेंसिटिव सेल्स होंगे, उसी का नाम रॉड सेल कौन सेल होता है। रॉड सेल रात में अपना जलवा दिखाएगा, और कौन सेल दिन में, यानी कलरफुल विजन के लिए आपका इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उल्लू में क्या होता है? दिन में तो उसको दिखाई नहीं देगा, यानी दिन वाला मामला खत्म है। दिन वाला क्या है? दिन वाला आपका है कौन सेल। रात में कौन एक्टिव होगा? रॉड सेल। तो रॉड सेल ज्यादा है, तो यही तो बोला है साला काय की संख्या ज्यादा है। आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन कहानी का मतलब, जब इसको आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे इस मसल को, तो इसके अंदर में आप लोगों को स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी लाइट डार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आइरिस मसल ऑफ द आई। तो हमारे जो आंखों का आइरिस मसल है, हमारे आंखों का जो आइरिस मसल है वो क्या होता है? वो आपका एक अरेखित पेशी का उदाहरण होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? अनस्ट्रिएटेड मसल का एग्जांपल हो जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? मामला समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है बात। तो आयरिस मसल जो जनन अंग का पार्ट होता है, वहां पे भी ये आपकी मसल देखने को मिलेंगे। जो आहार नाल होता है, वहां पे भी ये मसल देखने को मिलेंगे। तो याद रख लो ना आप लोग कि जब भी बात करेगा अनस्ट्रिएटेड मसल का, तो हमारे आंखों का जो आयरिस होता है वो इसी का मिलकर बना होता है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी रेटिना। रेटिना को स्वस्थ रखोगे, मामला क्लियर होगा, पिक्चर शानदार बनेगा और ब्रेन उसको शानदार पकड़ पाएगा। तो अगर आंखों के रेटिना को, आंखों के मेम्ब्रेन को और आंखों के अंदर में मौजूद प्रोटीन को सुरक्षा प्रोवाइड कराना है, तो किस एलिमेंट को लेके आना पड़ेगा? जिंक को लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मामला? तो याद रखिएगा, जिंक की मौजूदगी की वजह से आंखों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो एग्जाम में बोला जाएगा उस एलिमेंट का नाम बताओ जो आपकी आंखों के रेटिना को, मेम्ब्रेन सेल के मेम्ब्रेन को, और साथ ही साथ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आंखों में मेंटेन करके रखता है, बचा के रखता है, संजो के रखता है, उसका नाम है जिंक। आगे बढ़ जाते। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल, यानी आपका मोटर के नियंत्रण में कौन ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करने का काम करेगा? एक दिन में आप लोगों को ब्रेन का, किडनी का, लीवर का, सबका छोटा छोटा 5-5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, पूरा ट्रिक से पूरा का पूरा रटवा दूंगा, टेंशन मत लो। बट अभी देख लो आप लोग, तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? जितने भी ऑर्गेन उनको पकड़ पकड़ के दोस्ती करवाता है कि भाई लीवर तू यार लंग से दोस्ती कर ले, भाई किडनी तू स्टोमक से दोस्ती कर ले। तो अलग अलग ऑर्गेन में सामंजस्य बैठाने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। समझ में आ रहा है? और एक कॉन्वोल्यूटेड सरफेस भी प्रोवाइड कराता है ताकि अच्छे अच्छे न्यूरॉन्स आपके रह पाए। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो। तो सेरिबेलम जो होगा वो मोटर बनाने का काम करेगा। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है?
Which organ is responsible for movement and hand-eye coordination in the human body? The simple बात है brain. तो जब भी बात आएगा hand-eye का movement का वो कौन संभाल के रखा है? वो brain संभाल के रखा है. Which part of the human brain regulate the posture and balance of the body? तो हमारा body अभी balanced है. तो हमारे brain का कौन ऐसा part है जो हमारे body के posture को maintain करने का काम कर रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हमारे ब्रेन में अचानक सेरिबेलम में कुछ मामला इधर उधर पलट गया तो बेहोशों की गिर सकते हो, यानी अपना जो क्या बोलते हैं अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रह पाए. तो याद रख लीजिएगा, अपने बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन कराने में हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो सेरिबेलम होता है. कौन होता है? सेरिबेलम होता है. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिबेलम. क्या हो जाएगा? सेरिबेलम. आगे बढ़ जाओ. मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा और संतुलन, शारीरिक मुद्रा संतुलन हो या साम्यावस्था हो, उसके लिए कौन सा पार्ट आएगा? सेरिबेलम आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम. तो याद रख लेना, अगर अपने बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है, अगर आपके बॉडी को संतुलित करके रखना है, उसके अवस्था को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सेरिबेलम की. मामला समझ में आ रहा है? तो इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा और जाके एग्जाम में ठोक देना है. आगे बढ़ो. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट फंक्शन लाइक थिंकिंग? सोचोगे किससे? आपकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी, आपकी मेमोरी कैसे बढ़ेगी और आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसे बढ़ेगी? तो वो डिपेंड करता है आपके खोपड़ी में मौजूद सेरिब्रम पर. किस पे? सेरिब्रम पे, जो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. तो सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोचने के लिए, बुद्धिमानी के लिए, याद दाश्त के लिए और साथ ही साथ सीखने की क्षमता के लिए. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम. क्या हो जाएगा? सेरिब्रम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? अभी तो मैंने बोला सबसे बड़ा पार्ट कौन है? सेरिब्रम है. उसके नाम है ब्रम, मतलब बड़ा. तो सेरिब्रम जो होता है वो लगभग आपके दिमाग का 2/3 हिस्सा को पकड़ के रखता है. कौन? सेरिब्रम. तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सेरिब्रम. आगे बढ़ जाओ. कान के बाहरी भाग की आकृति को बताओ ना भाई. तो जब मोटर ईयर का बात कहते हैं तो एक फनल शेप होता है. तो याद रख लेना, कान का जो बाहरी भाग होगा तो एक फनल जैसा शेप का होता है. Which part of the following, bone is not a part of the human ear? अरे भाई, human ear का part कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या है यार? कुकुम्बर कहाँ से आ गया? कुकुम्बर कब सोने लगा? ये प्रिंटिंग मिस्टेक वाला मामला है. तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं यार. कुकुम्बर ब्रेन का बोन का कैसे पार्ट होने लगा? स्टीरअप तो समझ में आता है, हैमर भी समझ में आता है, एनविल भी समझ में आता है, बट यहाँ पे ग्रॉस है, कुकुम्बर है. हाँ, इसका मतलब ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक था. बट फीमर देखो ना भाई, फीमर तो थाई बोन को बोला जाता है ना, ये कानों में कब से आने लगा? टेंसर हो जाएगा डी. समझ में आ रहा है मामला? टेंसर हो जाएगा डी. तो ऑप्शन को ऐसे पकड़ना तो वो गलती हो जाएगी. चलो, हैमर, एनविल और स्टीरअप जो होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? ईयर के. हैमर किसको बोलते हैं? मैलस को. एनविल किसको बोलते हैं? इनकस को. और स्टीरअप किसको होते हैं? स्टेपिस को. और ये स्टेपिस जो होती है आपकी शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है. तो याद रख लेना, आपके कानों के अंदर जो मिडिल ईयर होते हैं उसके 3 बोन है, मैलस, इनकस, स्टेपिस. मैलस का जो शेप होता है हथौड़े जैसा होता है तो उसको हैमर बोला जाता है, इनकस को एनविल बोला जाता है और स्टेपिस को स्टीरअप बोला जाता है. तो याद रख लीजिएगा, बहुत काम में आने वाला चीज है. आगे बढ़ जाते. मनुष्य के कान का कौन सा भाग आसपास के वातावरण से ध्वनि ग्रहण करेगा? अरे भाई, चलो ना कान बना देते हैं. ये रहा हमारा कान और यहां से हमारा निकलता है एक मेम्ब्रेन, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, क्या बोलते इसको, मियटस बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस. इतना नहीं पढ़ना, समझो ये हमारा कान है, ये हमारा इसका पार्ट बोलते हैं पिन्ना. क्या बोलते हैं? पिन्ना. और ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस. और ये जो सी है इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. तो कानों से ध्वनि को पकड़ पकड़ के कौन लेके आ रहा है बेचारा? पिन्ना. पिन्ना लेके आ रहा है. तो याद रख लीजिएगा, मनुष्य के कान का कौन सा भाग आसपास के वातावरण से ध्वनि को खींच खींच के लाएगा? आंसर होगा पिन्ना. क्या होगा? और इस ट्यूब के थ्रू पास कराएगा और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जाके टकराएगा. आगे बढ़ जाओ. डेंस आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है पिन्ना. और पिन्ना को क्या बोलते हैं? कर्णपाली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कर्णपाली. क्या बोलेंगे इसको? कर्णपाली. शानदार. आगे बढ़ जाए. अब हो गया इसी के साथ जियोलॉजी खत्म होता है. अब आते हम लोग प्लांट में. किसमें आते हैं? प्लांट में. थोड़ा सेशन को मन करेगा तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग.
चलो आगे बढ़ जाते। फंड्स पौधों के किस भाग में आते हैं? तो मैंने फिर से बोला, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन देख लो बढ़िया से, बोला है कि जो फंड्स होगा पौधा वो किस भाग में आता है, वो टेरिडोफाइटा में आएगा। किस में आएगा? टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर बंडल किस में एब्सेंट होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम किस में एब्सेंट होगा भाई? ब्रायोफाइटा में। जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, टेरिडोफाइटा में बिल्कुल मिलेगा, एंजियोस्पर्म में मिलेगा, पर ब्रायोफाइटा में ना तो जाइलम होगा ना ही फ्लोएम होगा। चलिए बबीता यादव, थैंक यू सो मच आपको। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिज? अरे यार, जब जल और खनिज को मेरे को उठा के पटकना है तो मैं किसको लेके आऊंगा? जाइलम को लेके आऊंगा। और जब खाद्य पदार्थ को इधर उधर करना है तो मैं लेके आऊंगा फ्लोएम को लेके आऊंगा। तो याद रखिए ना, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों में पौधों के विभिन्न भागों में जल और खनिज की आपूर्ति करने के लिए काष्ठीय ऊतक कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्कुलर प्लांट। क्या हो जाएगा? वेस्कुलर। सिंपल, जिसके पास वेसल्स होगा भाई तो वेस्कुलर प्लांट करेगा। अच्छा कोई नहीं, उसका सोल्यूशन निकाला जाए, टेंशन बिल्कुल मत दीजिए, सबका सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? छपेगा तो इकोलॉजी शब्द का रचना सबसे पहले हेकल नाम का वैज्ञानिक ने किया था, अंश हेकल नाम के वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द के बारे में सबसे पहले बताया था। अब बोलोगे इकोलॉजी क्या होता है भाई? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास में मौजूद वातावरण के साथ जो सामंजस्य है, जो दोस्ती है, जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इसके और इसको जिस बायोलॉजी के ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको बोले इकोलॉजी। क्या बोला जाएगा? इकोलॉजी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसको बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी के इकोलॉजी जो वर्ड है उसको सबसे पहले रचना किसने किया था? इसने, हेकल। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न? इसने बोला मॉडर्न इकोलॉजी का पापा कौन है? तो ये है ओडुअम। क्या है? ओडुअम। तो जो ओडुअम महाराज है वो क्या है? मॉडर्न इकोलॉजी के पापा है। बिल्कुल हागने वाला, सही बात। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनाता है? अभी तो मैंने बोला इकोलॉजी बनाएगा, क्या बनाएगा? नहीं सॉरी, इकोसिस्टम बनाएगा। जिस बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करेंगे उसको इकोलॉजी बोलेंगे, बट उस फिनोमिना को बोलते इकोसिस्टम। आंसर होगा इकोसिस्टम। अगर स्टडी बोलता तो मैं ठोकता इकोलॉजी। आगे बढ़ जाओ। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक किस प्रोसेस द्वारा खाना बनाते हैं? यार प्रकाश संश्लेषण। सिंपल, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाते हैं। एक स्वपोषी यानी प्लांट ले लो कि कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश पूरा किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण। सिंपल, स्वपोषी वाला जो भी मामला होगा कौन देख लेगा? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय परिस्थिति के तंत्र है? एक टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाला। अरे यार, पॉन्ड जमीन का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यानी तालाब जमीन हो क्या? नहीं, ये तो पानी इसमें भरा होगा, झील में भी पानी होगा, नदी में भी पानी होगा, बट ये सेमी एरिड रीजन है यानी अर्ध शुष्क, यानी पूरा का पूरा इसमें पानी नहीं है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का हो जाएगा। तो इकोसिस्टम एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है और मैन मेड भी होता है, जिसको आर्टिफिशियल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके घर में एक्वारियम, आप मछली लाते हो ना एक्वारियम में, उसको फिट कर देते हो, तो वो किस प्रकार का इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल है, खुद से क्रिएट किया गया इकोसिस्टम है। समझ में आ रहा है मामला? आगे बढ़ जाते हैं। मानव प्रजाति इको प्रणाली को किस श्रेणी में रखा जाएगा? अरे भाई, हम किस में आएंगे? हम ओमनीवोरस। वेजिटेरियन पसंद है, किसी को यहाँ पे नॉनवेज पसंद है, तो दोनों का अपना अपना इरादा है। ओमनी मतलब सर्वाहारी है, मन करेगा तो वेज भी, मन करेगा तो नॉनवेज भी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? अरे यार, आम तो ऑटोट्रॉप है ना, आम सबको खाना बना बना के देगा, तुम या तो डायरेक्टली लो या इनडायरेक्टली लो, बना के तो यही देगा। तो बोला मैंगो ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बोला है कि आपका ऑटोट्रॉप प्लांट है, तो क्या होगा? ऑटोट्रॉप होगा। आगे बढ़ जा।
एट विच ट्रॉफिक लेवल द फूड चेन आर हर्बीवोर्स और फर्स्ट कंज्यूमर। यार हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट को खाएगा, तो पहले प्लांट आएगा तभी तो प्लांट को खाएगा, तो प्लांट कैसा ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। मैं असलम कितने दिनों में तीनों साइंस खत्म होगा भाई? पेनल्टी थोड़ा सा कभी कभी मैं भी मार देता हूं आप लोगों से। जब भी मैं बात करूं साइंस कितने दिनों में खत्म होगा, आप जब पढ़ोगे थंबनेल तो लिखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 साइंस इन 20 डेज। इसमें आपको कोर्स का नाम लिखा है और कौन पढ़ा रहा है उसका नाम लिखा है। तो 20 दिन के अंदर में आपका पूरा का पूरा साइंस खत्म हो जाएगा भाई। इसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा और सबका प्लेलिस्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना है साइंस तो 20 दिन में मामला पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले कौन आएगा? प्रथम पे आपका प्लांट, और प्लांट को खाएगा आपका, प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर्स, यानी आंसर हो जाएगा ड्यू। थोड़ा सा सर्दी खांसी होने वाला है इसलिए एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाएगा, कोई नहीं आगे बढ़ो। हर्बीवोर्स फॉर्म द डैश ट्रॉपिक लेवल। अरे यार अभी तो आपने पढ़ा कि हर फर्स्ट पे आएगा तो उसके खाने वाला किस पे कूद जाएगा? सेकेंड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। विच ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर सब्सटेंस। अरे प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होंगे, और प्लांट पे कौन डिपेंड करेगा? ज्यूमर करेगा, उपभोक्ता करेगा, यानी हम करेंगे, आपका एनिमल करेगा। तो कहने का मतलब ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करने वाला कौन है? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करने वाला आपका हेटरोट्रॉप्स है, सेप्रोट्रॉप्स है, यानी कंज्यूमर है। सिंपल सा बोलो ना, आगे बढ़ जाओ। शाकाहारियों को डैश भी कहा जाता है। शाकाहारियों को हर्बीवोर्स बोला जाएगा ना, शाकाहारी को हर्बीवोर्स बोला जाएगा। तो क्या ये खाना खा ही नहीं रहे? खाना खा रहे हैं बट ये प्लांट को खा रहे हैं, यानी ये कैसे उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसी के साथ सेशन होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को सेशन लगा होगा अच्छा तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगेगा तो अपना कमेंट फीडबैक में जरूर लिखें कि आपका मार्क्स कैसा रहा और मैंने कैसे आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कशन कराया। 10 दिन हम लोगों का आधा सफर यहाँ पे खत्म होता है और आधा बचा है, तो बढ़िया से अगर टिक जाओगे तो शायद आप लोग वहां पे गर्दा उड़ा सकते हो। तो 20 दिन का हमारा जो टारगेट है, 10 दिन हो गया, 10 दिन और आप लोगों को पूरा करना है। फिर आप लोग खुद देखना कि जितने भी आपके एसएससी लेवल की या बेसिक जो भी आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न यही आएंगे, बस उसका पैटर्न बदलेगा, ऑप्शन वही आएगा जो मैंने पढ़ा है। मामला समझ में आ रहा है? चलिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और आप लोग जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे मामला आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए। जय हिंद साथियों।